हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VPIC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम योर इंग्लिश टीचर वंदना मैम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 7, आ लिटिल फेयरी, एक नन्ही परी। इट इज अ पोयम। स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस पोयम। अ लिटिल फेयरी कम्स एट नाइट, हर आईज आर ब्लू, हर हेयर इज ब्राउन, with silver spots upon her wings and from the moon she flutters down. A little fairy comes at night. एक नन्ही परी रात में आती है। Her eyes are blue, जिसकी आँखें नीली हैं। Her hair is brown, जिसके बाल भूरे हैं। With silver spots upon her wings, उसके जो है चांदी की तरह जो है सिल्वर कलर के क्या हैं, पंख हैं, जिनमें स्पॉट्स बने हुए हैं। एंड फ्रॉम द मून सी फ्लटर्स डाउन, और वो जो है फ्लटर करते हुए मतलब फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को मून से वो नीचे उतरती है। सी हैज अ लिटिल सिल्वर वैन, एंड वैन अ गुड चाइल्ड गोज टू बेड, सी वेव्स हर वैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड मेक्स अ सर्किल अराउंड इट्स हेड। सी हैज़ अ लिटिल सिल्वर वैन, उसके हाथ में एक जो है चांदी की छोटी सी छड़ी होती है। एंड वैन अ गुड चाइल्ड गोज टू बेड, जब अच्छे बच्चे सोने जाते हैं, सी वेव्स हर वैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो वो अपनी जो है छड़ी उनके चार जो है राइट से लेफ्ट मतलब दाएँ से बाएँ घुमाती है और एक सर्कल बनाती है उनके हेड के पास, मतलब उनके सर के पास एक जो है सर्कल बना देती है उस छड़ी से घुमाते हुए। एंड देन इट ड्रीम्स ऑफ प्लीजेंट थिंग्स, ऑफ फाउंटेन फील्ड विद फेरी फेस एंड ट्रीज दैट बेयर डिलीशियस फ्रूट्स एंड बोथ दियर ब्रांचेस एट अ विश। एंड देन उसके बाद क्या होता है, इट ड्रीम्स ऑफ प्लीजेंट थिंग्स, तो फिर क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों के सपने आते हैं। ऑफ फाउंटेन्स फील्ड विद फेरी फेस, ऐसे फवहारे का सपना आता है जिसमें जो है परियों वाली मछलियाँ होती हैं। एंड ट्रीज दैट बियर डिलीशियस फ्रूट, ऐसे ऐसे पेड़ हमें दिखाई पड़ते हैं जो स्वादिष्ट फलों से लदे होते हैं, और उनकी जो शाखाएँ होती हैं वो हमारे इच्छा करने से जब हमारा मन होता है तो वो छुप जाती हैं। आर आर्बर फील्ड विद डेंटी स्किन्स फ्रॉम लवली फ्लावर्स दैट नेवर फेड, ब्राइट फ्लाइज दैट फ्लटर इन द सन एंड ग्लो वार्म शाइनिंग इन द शेड। आर आर्बर फील्ड विद डेंटी सेंट्स, और वहाँ पर जो है कुछ कुंज होते हैं मतलब जैसे विद फील्ड विद डेंटी स्किन्स फ्रॉम लवली फ्लावर्स दैट नेवर फेड, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर होते जो कभी मुरझाते नहीं हैं, तो उनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आया करती है और वहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही जो है कुंज मतलब बहुत ही मुग्ध बहुत ही स्मेल वाला हो जाता है। ब्राइट फ्लाइज दैट फ्लटर इन द सन, चमकीली जो है मक्खियाँ जो होती हैं वो दिन में क्या कर रही हैं, सन के चारों तरफ फ्लटर कर रही हैं। एंड ग्लो वर्म शाइनिंग इन द शेड, और जब शाम हो जाती है मतलब रात हो जाती है तो वहाँ पर ग्लो वर्म्स मतलब जुगनू जो होते हैं वो चमकते हैं। एंड टॉकिंग बर्ड्स गिफ्टेड टंग्स, और इसमें जो है ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिसमें जो चिड़िया होती हैं वो बातें करती हैं, गिफ्टेड टंग्स, उन्हें फिर एक जो है जादुई जो है जीभ दे दी जाती है जिससे वो लोग जो है बातें करती हैं। फॉर साइनिंग सॉन्ग्स एंड टेलिंग टेल्स, और जो है गाने गाती हैं और जो है स्टोरीज बताती हैं। एंड प्रिटी ड्रॉफ टू सो द वे, और एक जो है सुंदर सा बौना जो है वो रास्ता बता रहा होता है थ्रू फेरी हिल्स एंड फेरी टेल्स, ये जो पहाड़ी जो वाली जो परियों की पहाड़ियाँ वाली कहानियाँ होती हैं, परियों वाली कहानियाँ होती हैं, इन कहानियों में ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी पोयम थी अ लिटिल फेरी, एक नन्ही परी के बारे में। नन्ही परी जो होती है उसके बारे में बताया गया है कि कैसी होती है, और वो जब आती है तो हम बच्चों को, जो अच्छे बच्चे होते हैं जब वो सब सोते हैं तो उन्हें कैसे कैसे सपने आते हैं, फेरी टेल्स में हम लोग कैसे कैसे स्टोरी पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।